हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एक एडुग्रोव में। ये कैसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 से 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको एग्ज़ाम्स का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्ज़ाम्स का। और अगर हमारे चैनल ने आपको हेल्प करी है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ हमारा चैनल रिकमेंड कर दीजिएगा। हमारे चैनल को ग्रो करने में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आज, द मेकिंग ऑफ अ ट्रस्ट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो आज हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ अ ट्रस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर समरी। द आर्टिकल फोकसेस ऑन द मेकिंग ऑफ अ ट्रस्ट समरी। इट इज द स्टोरी ऑफ अ फ्यू इयर्स चाइल्ड हु इज जर्नलाइजिंग अ क्यूरियोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट, व्हिच ओल्डर ब्राइड वाज वेरी क्लोज टू हिज मदर and then she plays a key role in developing his interest in science. So एक ये आर्टिकल है जो हमारा ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ट्रस्ट, ये बताता है एक स्टोरी एक छोटे बच्चे के बारे में है, एक चाइल्ड के बारे में है जिसका बचपन से सपना था कि उसे एक साइंटिस्ट बनना है। तो उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसकी उत्सुकता जागती थी कि उसे साइंटिस्ट बनना है। और जो उसकी मदर थी उसको बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बेटे को इंटरेस्ट है साइंस के अंदर, तो उसने क्या रोल प्ले किया अपने बेटे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए साइंस की तरफ, ये चैप्टर के अंदर दिखाया है। सो ये हमारे चैप्टर का ब्रीफ आइडिया था। ही बिकेम हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, लेटर ऑन डिड रिसर्च ऑन द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन द पीपल ऑफ मोनाज। बटरफ्लाईज इन पेपर ऑन द वर्किंग ऑफ अ सेल गॉट पब्लिश्ड इन अ साइंटिफिक जर्नल and he became famous. A bride participated in many science exhibitions, many awards apart from the science. He had interest in public speaking and debate and comparative process of personality. Then all are the politicians of becoming a great scientist. So जो ये छोटा बच्चा है जिसको बहुत इंटरेस्ट था साइंस के अंदर, उसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करता था वो, राइट तो जिन बटरफ्लाईज को उसने कलेक्ट करना शुरू किया उसकी फिर वो क्या करता था, रिसर्च करता था। तो देखता था कि इन बटरफ्लाईज के ऊपर ये गोल्ड स्पॉट जो है उसका क्या पर्पस है। तो जो उसने बटरफ्लाईज की स्टडी करी वो पब्लिश हुई, कहाँ पर वो पब्लिश हुई, एक जर्नल के अंदर। सो वो बटरफ्लाईज की स्टडी करता था कि उनके ऊपर गोल्ड जो डॉट्स हैं वो क्यों हैं, तो वो बेसिकली बटरफ्लाईज की सेल्स की स्टडी करता था। तो ये जो उसकी स्टडी थी ये एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश हो गई, तो वो बहुत फेमस हो गया ओवरनाइट। तो उसने बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, साइंस के अलावा भी मिले, साइंस के तो मिले ही मिले, साइंस के अलावा भी मिले। उसको पब्लिक स्पीकिंग में, उस छोटे बच्चे को इंटरेस्ट था, डिबेट में इंटरेस्ट था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, तो इनकी डिबेट तो इनकी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था और इसको वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आया, बहुत सारे उनको मिलने लग गए ट्रॉफीज और शील्ड्स मिलने लग गई। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट विच आर डिफरेंट। ही इज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाईज केम टू हिज चाइल्डहुड एंड एट द एंड ऑफ द टाइम ही इज इन द सेकेंड ग्रेड। ही हैड गैदर्ड ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन हिज होम। Also, he collected coins for sales and rocks one day. His mother gave him a book named The Travel of Monarchy. The book has been a turning point in his life and introduced him to the world of science. Experienced the real science in the country. Science affair. Moreover, he understood what to win something. He needs to do something extraordinary. So, the making of a scientist जो है chapter का नाम है The Making of a Scientist. सो ये स्टडी है एक क्यूरियस, एक बहुत ज़्यादा उत्सुक चाइल्ड था, एक छोटा सा बच्चा था, राइट जिसको स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस के अंदर। तो उसने उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने शुरू से जो बटरफ्लाईज है उनको कलेक्ट करना शुरू किया। जो भी बटरफ्लाई आती थी उसके घर, उसको वो कलेक्ट करना शुरू करता था, उसकी सेल्स की स्टडी करता था। और जो उसकी सेल्स की स्टडी है वो पब्लिश हो गई एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर, वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा प्रेज रिसीव हुई। तो जब वो सेकेंड क्लास का हुआ उसने 25 अलग अलग प्रकार के स्पीसीज जानवर को या इंसेक्ट्स को इकट्ठा किया अपने, जो उसने जगह जगह ढूंढे थे अपने होम टाउन के अंदर जहाँ वो रहता था। तो उसने कॉइन्स भी कलेक्ट किए, जो अलग अलग कंट्रीज के कॉइन्स होते हैं उनको भी कलेक्ट किया, और रॉक्स को भी कलेक्ट किया कि उसको वो सेल करेगा एक दिन। तो उसके मदद में उसकी क्यूरियोसिटी देखी कि मेरा बेटा कितना क्यूरियस है साइंस को पढ़ने के लिए और नई नई चीज़ें जानने के लिए। तो उसने वो बुक दे दी उसको जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्की, और ये बुक जो है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उसको इंट्रोड्यूस किया साइंस के वर्ल्ड में, राइट, अलग अलग चीज़ें बताई साइंस की, साइंस का रियल एक्सपीरियंस दिया, राइट, साइंस अफेयर के बारे में बताया। फिर उसको अंडरस्टूड, उसको समझ में आया कि जब भी अगर हमें कुछ करना है, कुछ विन समथिंग, कुछ भी हमें सही काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। जैसे वो छोटा बच्चा था, सेकेंड क्लास की एज से 25 स्पीसीज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था उसने, राइट। तो 25 स्पीसीज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो अगर हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहिए। लेटर इन द 8th grade he selected the assignment of finding the cause and viral sickness that killed almost the monarchs caterpillars every year. He thought that the cause what could be the beta, so he rose caterpillars with the presence of beetles. However, he was wrong. Next to the day, he projected for the science fair, testing the theory that why the butterflies copied minutes. This project got the first person to find division in the country's science fair. फिर 8th grade के अंदर उसने एक assignment बनाया, जो उसने बताया कि cause and effect क्यों है, जो एक बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैल रहा था तो वो क्यों फैल रहा है, उस फीवर के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये फीवर फैल रहा था कैटरपिलर्स की वजह से, तो ये कैटरपिलर उसे लगा कि एक इन्फेक्शन है, तो ये बीटल्स की वजह से बेसिकली हुआ था, राइट। फिर उसने साइंस फेयर के अंदर अपनी थ्योरी टेस्ट करी कि बटरफ्लाइज जो हैं और जो हमारे कैटरपिलर्स हैं उनसे ये क्यों फैला है प्रोजेक्ट। सो वही जो फर्स्ट उसके जो प्रोजेक्ट था उसको थर्ड डिवीजन आई, थर्ड आया रैंक कंट्री के अंदर अपनी पूरी, राइट। तो वह एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा था। इन द सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल डिस्चार्ज अ ब्राइट रिसर्च टू लेट डिस्कवरी ऑफ द अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेट टू अ न्यू थ्योरी इन द लाइफ ऑफ द साइंस. He tried to find the purpose of tiny golden spots on the back of the project won the first prize in the city. Science in the chance to work in the Walter Reed Army Institute of Research. और जब वो अपनी हाई स्कूल मीन्स कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक रिसर्च करेगा और एक अननोन इंसेक्ट की डिस्कवरी करेगा, उसके हार्मोन की, और पता लगाएगा कि उस हार्मोन वो क्या चीज़ है और उससे क्या इफेक्ट होता है साइंस पे। तो उसने पर्पस फाइंड किया कि जो गोल्डन छोटे छोटे जो हमारे पिलर्स होते हैं उनके बैक के पीछे गोल्डन स्पॉट्स के होते हैं, तो उससे उसका फर्स्ट प्राइज आया अपनी सिटी के अंदर और उसको चांस मिला कि वो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में पढ़ाई करेगा। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड टू एडवांस हिज एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर वन डे व्हाइल लुकिंग एट द एक्स्ट्रा बॉर्डर ऑफ द हार्मोन आई गॉट द आइडिया ऑफ द न्यू थ्योरी दैट सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए ऑफ द ब्रिटन द रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल ऑफ द मॉलिक्यूल to illustrate the working of DNA. It was a big leap forward and got published in a Harvard magazine. He graduated from Harvard with the highest honors. और जब वो कॉलेज के अंदर था तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने रिसर्चेस को कंटिन्यू करा। फिर वो उसने आइडेंटिफाई किया, पता लगाया कि जो हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पता लगाया। तो जब वो हार्मोन्स की फोटो देख रहा था उसे पता चला, एक न्यू थ्योरी के बारे में पता चला कि सेल्स जो है वो डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है उसको रीड कर सकती है। तो जो उसने एक प्लास्टिक मॉडल बनाया एक मॉलिक्यूल के बारे में और बताया कि जो वो डीएनए है हमारा वो कैसे वर्क करता है। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और वो पब्लिश हुआ एक मैगजीन के अंदर। फिर उसको एक डिग्री मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, हाईएस्ट मार्क्स के साथ वो ग्रेजुएट हुआ। ही हैज ऑल्सो इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल्सो outdoor person, also he is competitive but in good sense and always want to do best. Moreover, he possessed all the good grades of becoming a good scientist. तो साइंस के अलावा वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, डिबेट्स में अच्छा है, आउटडोर्स को जाना बहुत पसंद है, बहुत कम्पिटिटिव है, लोगों के साथ कम्पीट करता है बहुत अच्छे सेंस में, बहुत बुरा कॉम्पिटिटर नहीं है, अच्छे से लोगों के साथ कम्पीट करता है, उनको अपना गुड कॉम्पिटिटर मानता है और चाहता है कि जो भी वो काम करे उसमें अपना बेस्ट करे. तो उसके पास सारी की सारी क्वालिटीज है एक अच्छे साइंटिस्ट बनने की. This theory teaches us that the preserving and segregation and work can make any dream achievable. इसका conclusion ये है कि अगर हम बहुत preserve होंगे, right? हम बहुत hard work करेंगे, हमारे अंदर patience होगी, हम determined होंगे, focused होंगे अपने goal के लिए, तो हम कोई भी काम achieve कर सकते हैं. जैसे उसकी मम्मी जो थी उसको हर काम के लिए motivate करती थी, उसने देखा बच्चे के अंदर interest है, right? तो हमें अपने इंटरेस्ट को रोकना नहीं चाहिए. अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो हम बहुत हाई पर जाएंगे, जैसे वो छोटा बच्चा हाई पर गया था, बहुत हाई लेवल अचीव कर लिया था. सो ये हमारा चैप्टर था. थैंक यू.